तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब कुछ दिन से बैक टू बैक गेम प्ले आ रहे थे, लेकिन आज का गेम प्ले ओ ओ ओ मेरे भाई ये तुमको पूरा देखना चाहिए, बिकॉज भाई बहुत दिन बाद एक तगड़ी लॉबी देखने को मिली और उसके साथ साथ हाई किल्स और स्पॉइलर देने वाले मैं, वो अलग बात है कि तुम लोग चीटिंग कर लो, लेकिन चीटिंग कोई नहीं करेगा, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है। नहीं देखोगे ना आगे जाके फॉरवर्ड करके पूरा गेम प्ले देखोगे ना। वेल देखो, ये गेम प्ले ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि मस्त होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक है और भाई उसका एंड फेज तो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेम प्ले स्टार्टिंग में हल्का है, नो 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 नो, सुताई चालू है। सबसे पहले मेरे हाथ ये बंदा लगा क्योंकि अकेले था। अब पता नहीं क्यों अपनी स्क्वाड से अलग था ये, शायद इसको लूट नहीं मिली थी या फिर इसके टीममेट ने इसकी गन उठा ली थी तो ये बेचारा गुस्से में इधर आ गया था। फिलहाल अकेले पाके मैंने इसको धर लिया और बहुत ही ईजिली इसको एलिमिनेट करा भाई। मेरे को लगा था कि इसको कोई बचाने आएगा। वेल मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे को स्टिंगरे भी मिल गई, तो मेरे को किल मिला, स्टिंगरे मिला और तभी दो और बंदे। अब ये बंदे लड़ रहे थे सामने वाली बिल्डिंग में। अब मेरे कुछ नेट्स मॉली ग्रेनेड्स ट्राई करे थे जो कि मैंने काट दिए, वो इवेंचुअली उनको कुछ डैमेज दे नहीं पाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो दिखाने से क्या फ़ायदा। लेकिन अब बारी थी रश करने की, क्योंकि भाई जब बात थ्रोएबल से ना बने ना तो फाइट आमने सामने ही लेनी पड़ती है, फेस टू फेस। Easy peasy, lemon squeezy। तो इन दोनों को मैंने नॉक करा और फिर इनको फिनिश भी कर दिया, इनकी लूट मुझे मिल गई थी। लेकिन तीन किल में अपना कुछ होने वाला था नहीं, तो मैं आया फटाक से मेन कैसल में जहाँ पर ट्राइडेंट होता है। लेकिन मेरी किस्मत देखो, मेरे आंखों के सामने एक बंदा ब्लीड आउट हो गया। यार अगर मैं थोड़ा जल्दी इधर आ जाता या ध्यान से थोड़ा चेक करता तो मेरे को एक और के मिलता। वेल कोई बात नहीं, पछताने का टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि यहाँ पर बंदों की कोई कमी नहीं है। हाँ ये तुमको दिख रहे हैं, भले ही यहाँ पर पाँच ही बंदे हैं, बट किल्स मैं बहुत निकालने वाला हूँ। अब जब मैं इसे फिनिश करने की कोशिश कर रहा था तो मेरे पर फायर हुआ, लेकिन तभी दूसरी तरफ से भाई भयानक M249 वगैरह चलने लग गई। मेरे को लगा कि मेरा किल चोरी हो गया है, तो मैं सैड सैड हो गया था, लेकिन तभी मुझे मेरा किल मिल गया, मैं खुश। अब देखो, भले M249 वाले मेरा किल नहीं चुरा पाए थे, लेकिन दूसरे वाले बंदे को उन्होंने ठोक दिया था, तो मैंने पुश नहीं करा भाई, बिकॉज उधर पूरी स्क्वाड छुप के बैठी हुई थी। तो मैंने डिसाइड करा कि यार मैं थोड़ा सा ट्राइडेंट वगैरह निकाल लेता हूँ। लेकिन जब मैं ट्राइडेंट लेने आया तो मेरे को ये भाई सब मिल गया, और ये अकेले नहीं थे, इनका टीममेट स्टिंगरे से चक्कर काट रहा था पूरे मोहल्ले का। अब मुझे कैसे पता कि ये टीममेट से, बिकॉज भाई ये बचाने आया। अब टीममेट को लौंडा बचाने आया तो भाई को सल्यूट है, लेकिन मुझे किल चाहिए थे तो मैंने दोनों का लेवल अप कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये वही बंदे हैं जिनको मैंने पहले ठोका था। वेल मेरे को ट्राइडेंट मिल गया था, लूट मिल गया था, मैंने इनकी भी थोड़ी सी और लूट ले ली, लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा लैंड करा। अब ये इनकी टीम का तो नहीं था जिनको यहाँ पर मैंने ठोका है। वेल क्या ही फर्क पड़ता है, किल मिल गई, लूट मिल गई, और क्या चाहिए लाइफ में। वेल देखो, मेरे 7 किल हो चुके थे और तभी मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं नहीं, एक और चीज़ है जो मुझे चाहिए, वो है किल्स। और किल्स कहाँ मिलेंगे, वो स्क्वाड याद है M249 जो चला रही थी, अब बारी उनकी थी। क्योंकि बेटा देखो, जंगल में आओगे तो देर सवेर धरे ही जाओगे। ओ भाई साहब, M249 वाला अभी भी गदर काटी है, तो इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गया M249 वाला, हैं मेरी किल भाई, मेरे को लगा ये एक ही टीम के बंदे, भाई मेरा किल चुरा ले गया, इसको तो पर्सनली ठोकूंगा मैं। अब एक किल चोरी हुआ था तो दूसरा तो मैं होने दे नहीं सकता था, तो मैंने इसको फिनिश करा। अब बारी किल चुरवे की थी। चल बस साले गरम मसाले,
वेल ये तो नॉक होते ही नीचे कूद गया और मेरे को डाउट हो गया था कि शायद इसका यहाँ पर टीममेट भी है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने बचने की कोशिश करी थी, बंदे तभी करते हैं जब उनके पास बचने का चांस रहता है। वेल क्रैकन भी आ चुका था तो बहुत ही जल्दी जगह डूबने वाली थी, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी किल फिनिश कर लेता हूँ, रिस्क काहे को लेना। लेकिन भाई ये तो गायब हो गया। अबे बच के जाओगे कहाँ, दुनिया गोल है। वेल इनको ठोकते मेरे 10 किल हो गए थे, बहुत सक्सेसफुल नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन फिर भी ठीक गया। शायद मैं गलत हॉट ड्रॉप पे आ गया था। वेल जो भी हो, उसके बाद मैं वापस एक टेलीपोर्टर लिया और आ गया पोचिंकी की तरफ। अब मैं अपार्टमेंट वगैरह भी चेक कर लिया था, उधर मेरे को बंदे मिले नहीं थे, तो फिर मेरे पास पोचिंकी एक ऑप्शन बचा था। रोजॉक में भी जा सकता था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि उधर मेरे को बंदे मिलेंगे, क्योंकि घूम फिर के तो मैं वहीं पर ही था ना। तो बेसिकली मैं पोचिंकी आया था जीरो उम्मीद लेके, मुझे लगा नहीं था कि मेरे को बंदे यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन जब किस्मत में ली गए हूँ किल्स तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ यार। अब मैंने इन भाई सबको ठोका, लेकिन ये जिस घर के जिस छत पे जिस पोजीशन में थे ना, मैं इतना तो समझ गया था ये किसी को ताड़ रहे थे, और जिसको ये ताड़ रहे थे वो मुझे दिख गया। अब बेचारा अकेला ही था, तो इसको कुछ समझ में नहीं आया किधर भागे, मेरे लिए एक इजी नॉक था। अब मेरे को पोचिंकी में रुकना तो था नहीं, तो मैंने सोचा इसको जल्दी से फिनिश कर लेता हूँ, लेकिन जब फिनिश करने पहुंचा तो पता चला भाई ये अकेला नहीं है। अब भाई इनकी तो स्क्वाड वाइप हो गई और मेरे को काफी बढ़िया लूट मिल गई, लेकिन अब यहाँ पर एक अजीब चीज होने वाली है। हुआ क्या कि मैं पोचिंकी छोड़ के जा रहा था, लेकिन रास्ते मेरे को एक बग्गी दिखाई थी जो खड़ी थी, मैंने सोचा चेक कर लेता हूँ, लेकिन जब चेक करने आया तो यहाँ पर मेरे को मिला यमन का शहजादा ऑफलाइन। मैंने सोचा इसको ट्रोल करता हूँ, लेकिन भाई इसके अंदर जान आ गई एकदम से। शायद बेचारे को मच्छर काट रहा था, खुजलाने के लिए रुका था, लेकिन मैंने सूद दिया। मेरे को जानते हो क्या याद आया, वो तुमको याद है अगर तुमने हातिम देखा है तो, हातिम जब भी मुसीबत में पड़ता था या बेहोश हो जाता था तो जासमीन उसे सपने में आके जगा देती थी, वही हुआ इसके साथ। मैं तो रुदा होकर आया था भाई। अब जब मैं इधर पहुंचा ना, तब मेरे को एक चील दिखाई दी, या फिर कहें स्टिंगरे, और इन्होंने भी मेरे को देख लिया था। इनको लगा था ये मेरा शिकार करेंगे, मैंने इनको धर लिया, बोले तो शिकारी खुद शिकार हो गया। अब इनको फिनिश करते ही मैं रुका नहीं, मैं उड़ गया। बिकॉज देखो वो जो पहाड़ी है ना भाई, वो कई डायरेक्शन से एक्सपोज है, तुमको भली लगती हो कि वो पहाड़ी सेफ है, बट ऐसा नहीं है। और मैं जिस हेल्थ में था, मैं बहुत डरा हुआ था, और तुम इसे डिल्यूजन कहो या जो भी, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके बाकी बंदे आके मेरे को मारेंगे फौरन, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने थोड़ी बहुत हेल्थ भी लगा ली उड़ते उड़ते, 50% HP हो गया था, तो मैं लूटने के लिए रुका। अब तुम खुद ही देखो कि मैं जो कह रहा था वो गलत था या सही। मेरे ऊपर गोलियां चली, वो अलग बात है कि मैं बच गया, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि भाई ये जगह सेफ नहीं है। वेल जिसने मेरे को उंगली करी थी वो तो स्टिंगरे पे भाग रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर इसने मेरे ऊपर फायर करा है तो ये भगौड़ा तो नहीं है, भागने का तो इसके पास पहले भी मौका था, ये डेफिनेटली रुकेगा, ये फाइट लेगा। तो मैं ढूंढने के लिए गया इसे, लेकिन इससे पहले कि मुझे वो मिलता, यहाँ पर एक डासी आ गई। अब डासी वाले को तो मैंने उड़ा दिया, लेकिन तुमको अभी एक अजीब चीज दिखने वाली है। तुम्हारा भाई इतना धूम धड़कता कर रहा है और घर के अंदर, छी भाई छी मेरी जान, तुम एस मास्टर्स की लॉबी में ये हरकत कर रहे हो, रियली रियली भाई। आई थिंक इसको भी मच्छर काट रहा था। वेल जो भी हो, इस कैंपर से मैं बच गया था। इस कैंपर की किस्मत भी बड़ी ख़राब थी, मेरे 18 किल हो गए थे, तो मेरी किस्मत तो अच्छी चल रही थी। लेकिन अभी भी मैं उस बंदे को नहीं बोला था जो स्टिंगरे पे बैठ के भागा था, मुझे पता था वो अभी भी रोजॉक में है और भाई मेरे ऊपर फायर भी कर रहे हैं। अब कायदे से देखा जाए तो यहाँ पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, मुझे लग रहा था कि ये बंदा थोड़ा सा डरपोक टाइप का है, फाइट लेना तो चाह रहा है बट अपने टर्म्स पे, लेकिन मैं बहुत गलत था।
मेरी जान, ये बंदा डरपोक बिल्कुल भी नहीं था। तुम खुद ही देखो मैं कैसे बुली होने वाला हूँ। देख रहे भाई, स्टिंगरे पे फुल मजा ले रहा है। अब S12 की आवाज सुनते ही मैं तो भाग गया, लेकिन इसकी किस्मत इतनी गंदी थी भाई। मैंने सीढ़ी पे जैसे ही मौली डाला, छत पे एक और टीम आ गई। अब उनसे बचने के लिए अंदर तो आया, लेकिन आगे नहीं आ पाया क्योंकि मौली पड़ा था, और ये बात मैं जानता था। इजी किल। भाई कांड देख रहे हो, इन्होंने S12K वाले को डराया, उसका किल मैंने उठाया और इनको भी ठोक दिया। इसे कहते हैं भाई जले पे नमक छिड़कना। वेल, मेरी किस्मत मैं क्या ही बताऊँ, इतना मेरा साथ दे रही थी ना भाई। मेरे को लगा था कि मैं S12K से मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे 21 किल हो गए। और भाई ये जो सामने छोटा सा कंपाउंड है ना, गराज वाला, तुमको क्या लगता है मैं यहाँ से कितने किल निकालने वाला हूँ? पहला किल तो तुमने देख लिया और एक नॉक भी देख लिया। अब आई थिंक तुम्हारे लिए गेस करना थोड़ा इजी हो गया होगा कि मैं कितने किल्स निकालने वाला हूँ इस जगह पर। कमेंट सेक्शन में गेस करो, देखता हूँ किसका गेस सही रहता है। अब एक स्क्वाड तो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जगह खाली है। यहाँ पर बंदूक की कोई कमी नहीं है। अब जिस हिसाब से मेरे ऊपर ग्रेनेड्स आ रहे थे और एक वाटर बबल फॉर्म हुआ था, मैं जानता था कि यहाँ पर और भी बंदे हैं और उनके ट्रिगर पॉइंट पे मैं हूँ। मैंने एक बंदे को भले ही नॉक करा था, बट उसको रिवाइव मिल जाएगा बहुत इजीली, और अगर उसका टीममेट रिवाइव नहीं देता है तो वो बंदा खुद भी रिवाइव हो सकता है। तो मुझे पुश करना पड़ा ना चाहते हुए भी, और ग्रोजा की आवाज़ सुन के मेरी फट गई हाथ में। लेकिन फिर भी मैंने रिपीक करा, दोनों को नॉक करा। ये एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट था मेरे लिए। अब मुझे पता था कि एक और बंदा है जो आगे वाले घर पे है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि चौथा बंदा यहाँ पर है या फिर नहीं। अब इधर मेरे को 2 फुटस्टेप आ गए थे, तो मैं ये मान के चल रहा था घर के अंदर 2 बंदे हैं। एक होता तो मैं पुश कर देता, लेकिन 2 में मारो हिम्मत नहीं हो रही थी भाई। तो अपन लगे हुए थे दूर के बंदों को परेशान करने में, लेकिन ये नीचे वाले भी बड़े फट्टू थे भाई। अब इनके 2 बंदे यार नॉक पड़े हैं, कायदे से उनको रिवाइव देना चाहिए, वो ब्लीड आउट हो जाएंगे। अब एक तो फिनिश हो गया, लेकिन इधर मैं भी फिनिश हो जाता भाई। मुझे नहीं पता भाई ये क्यों हगा है गोकू भाई ने। भाई इतना गंदा M249 से जिस लॉन्डे ने हगा है ना भाई, आथू भाई। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ भाई, मैं इतने डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, बट यहाँ पर भाई हगा है भाई, हगा है, लादी लादी हगी भाई। वेल, इससे ज़्यादा मैं और घिनौनी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैंने एक नेट डाला जिससे एक बंदा नॉक हुआ, ठीक है, घर में 2 बंदे थे। फिर मैंने एक मोल डाला और एक और बंदे को नॉक करा। भाई कायदे से तो इनको खत्म हो जाना चाहिए था, आउट ऑफ नोवेयर गोकू भाई अभी भी जिंदा है। इन्होंने अपने टीममेट को रिवाइव कर लिया था। और ये बैस की भाई, इस घर के अंदर 3 बंदे कैंप कर रहे थे, पता है? मैं तो 2 का हिसाब किताब लगा के चल रहा था, मैं कितना गलत था भाई। सोचो अगर मैं इस घर में घुस गया होता तो मैं तो खत्म था यार। वेल, 2 स्क्वाड मैंने वाइप कर दी, 8 किल मैंने उठाए उस छोटे से कंपाउंड से। तुम सोच सकते हो कि 2 स्क्वाड आपस में लड़ रही थी और एक तीसरा अकेला बंदा थर्ड पार्टी करता है और दोनों स्क्वाड को पेल देता है। भाई छोड़ ही दो। वेल, अब आखिरी के 3 बंदे बच रहे थे और मुझे पता था ये एक ही स्क्वाड के, बिकॉज ओपन में एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ भी फाइट्स नहीं हो रही थी और सबके सब मेरे को ही फायर कर रहे थे। बट अच्छी बात है, 3 किल मुझे ही मिलेंगे, मैं खुश हूँ। अब मैंने एक नॉक करा जिसके पास सेल्फ रिवाइव किट थी, तो मुझे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा इस बंदे को, वरना ये रिवाइव हो जाएगा। तो मैं उधर गया,
अब यहाँ पर मैं ओपन में जा रहा था और ये जो चिकन डिनर था ना भाई, इसको मैंने डाल दिया पूरी तरीके से खतरे में। अब ये छोटा कमांडो लैंड नहीं कर पाया तो इसको मैंने आराम से नॉक कर दिया। और इनका आखिरी टीममेट दूर था जिसमें मैंने स्प्रे मिस करा, लेकिन फिर मेरे को एक ऐसी चीज मिली जो कि तुम लोग को बहुत पसंद है। मैंने कहा यार बहुत दिन से स्नाइपिंग नहीं करी, क्यों ना आखिरी बंदे को स्नाइप करके ठोका जाए। भाई इससे अच्छा चिकन डिनर का और तरीका क्या ही हो सकता है। तो मेरे को मिल गई एक M24 सप्रेस्ड। आमतौर पर मेरे को सप्रेसर्स पसंद नहीं है, लेकिन जब हेडशॉट पड़े तो सब अच्छा लगता है। इसी के साथ कहते हैं इजी चिकन डिनर विद 31 किल्स। और अगर ये लॉबी तो एस मास्टर आई थिंक।